गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर, दैट इज क्या है ना, एल्गोरिथम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, हम पहले समझेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपका सारे सारे पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, और जितने भी आंसर भेजा हूँ मतलब चैप्टर थ्री तक सारे सारे आंसर भेजा हूँ, आप कोशिश करना उसको करके सबमिट करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर, दैट इज क्या है ना, एल्गोरिथम्स एंड प्रोजेक्ट। तो एल्गोरिथम क्या होते हैं ना, हम जो सारे सारे प्रॉब्लम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, ये क्या होता है ना, एल्गोरिथम्स होते हैं। वो क्या करता है ना, एक सीक्वेंस वाइज उसको सॉल्व करता है। और प्रोजेक्ट आपका ये पार्ट होता है, मतलब फ्लो, एक आप डिरेक्शन में शो करोगे बाई पिक्चर्स, पिक्चर पार्ट को हम बोलते हैं क्या ना, फ्लो चार्ट। और एल्गोरिथम क्या बोलते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है ना, एल्गोरिथम बोला जाता है। आपका बुक के हिसाब से एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज ए फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी फॉलोड टू ए परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सिस्टमेटिकली सच एज सॉल्विंग ए लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे दिया है कि क्या ना, कोई भी एक लॉजिकल वे में मैं बोलूंगा 2 + 2। ठीक है, हमारा एक बटमास फॉर्मूला आप सुने हो, तो ये क्या होता है ना, बटमास जो होता है एक लॉजिक होता है, मतलब पहले ब्रैकेट रहेगा उसके बाद ठीक है, तो पहले क्या रहेगा ना, ब्रैकेट रहेगा उसके बाद आता है डी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये होता है क्या ना, एक लॉजिक होता है। ये लॉजिक को याद रखने के लिए हम बटमास, तब आज आप ये लॉजिक बिना यूज किए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आपका जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ पे ये जो बटमास है, एक फॉर्मूला है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं ना, एक लॉजिक, मतलब सीक्वेंसाइज करेगा। सेमी कंप्यूटर का जो भी टास्क परफॉर्म, मतलब जो भी काम कंप्यूटर करता है वो क्या करता है ना, एक सीक्वेंस वाइज करता है, मतलब ऐसे नहीं जो पहले इसको कर देगा और उसके बाद उसको करेगा, नहीं, वो सारे से सीक्वेंस वाइज करता है। जिसमें हमारा यहाँ पे क्या है ना, हम जैसे बटमास फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा मतलब सॉल्व करते हैं, सेमी कंप्यूटर को भी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम दोगे वो भी बटमास फॉर्मूला के हिसाब से ही सॉल्व करेगा। मतलब उसमें पहले प्री डिफाइंड फॉर्मूला, मतलब प्रोग्राम लिखा गया है, वो ऐसे टाइप का सॉल्व करेगा। और ये सारे सारे जो आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सीक्वेंस वाइज, उसको कुछ पिक्चर, मतलब पिक्चर के अंदर सारे सारे मैं बार बार नहीं ले सकता हूँ, स्टार्ट, डिसीजन, तो ये सब लिखूंगा, मतलब क्या होगा, मेरा पेज भर जाएगा। इसके वजह से हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, मतलब इस टाइप का सिंबल के अंदर कुछ भी लिखूंगा, मतलब वो स्टार्टिंग है, स्टार्ट, यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के लिए भी लिया जाता है, और स्टॉप एंड जहाँ पे हो जाता है भी उसका सिंबल ले देते हैं, शायद इसको इलिप्ट बोले जाते हैं। और जो मतलब क्या है ना, इनपुट आउटपुट, जो डाटा आपका, सपोज मैं 2 + 2 क्या आएगा ना, 4 आएगा, जो यहाँ पे जो डाटा दूंगा, जो डाटा दूंगा जो 4 होगा, यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स, मतलब यहाँ पे इनपुट जो डाटा दोगे 2 + 2 सपोज दिया हो, और आउटपुट में फाइनल प्रोसेस होने के बाद डिसीजन के नीचे आपका क्या रहेगा ना, फिर इक्वल टू क्या रहेगा ना, ये पैरेललोग्राम होता है, ये सिंबल, ये जो पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होगा ना, रिजल्ट फिर नीचे में शो करेगा, ये 4 शो करेगा, मतलब ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है ये जो डायग्राम। तो इसको मैं जब ये डायग्राम के अंदर 2 + 2 लिख दूंगा, मतलब आउटपुट इक्वल टू 4 नहीं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे इनपुट डाटा दिया, मतलब मैं इनपुट कर रहा हूँ, कुछ डाटा इसमें इनपुट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग बॉक्स आपका रेक्टेंगल रहता है, वहां पे क्या करता है ना, वो लॉजिक लगाता है, ये जो ऐड है, ये एडिशन सिंबल है, वो सिंबल समझता है कि यहाँ पे दोनों को मिलाना है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा ना, जो दो मिलाएगा यहाँ पे प्रोसेस करेगा। जैसे सीपीयू के अंदर क्या था, सेंट्रल प्रोसेसिंग लॉजिकल यूनिट भी एक था, जहां पे क्या होता है, लॉजिक के हिसाब से वो कर रहा था, ये आपका रेक्टेंगल होता है, जिसमें आप क्या करते हो ना, जो डाटा देते हो वहां पे कंप्यूटर क्या करता है ना, डिसीजन मतलब प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है डिसीजन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स में ये आंसर सही है या रॉन्ग है, 2 + 2 = 4 है या 6 है, वो यहाँ पे क्या करेगा ना, डिसाइड करेगा। सपोज उसको डिसीजन सही लगेगा वो सही रिजल्ट ही शो करेगा, सपोज रॉन्ग है एरर शो करेगा। तो इसलिए कंप्यूटर में कभी कभी हम जब काम करते हैं एरर क्यों शो करते हैं ना, हम कुछ गलत डिरेक्शन में उसको डाटा दे रहे हैं ताकि वो समझ नहीं पा रहा है, इसके वजह से वो एरर शो कर देता है।
सेमी यहाँ पे डिसीजन बॉक्स होता है जहां पे वो क्या करेगा ना, जो डाटा दिया हो उसको डिसाइड करेगा। सपोज आपका डाटा सही रहेगा वो क्या करेगा ना, उसको डिस्प्ले करेगा, नहीं तो एरर शो करेगा, मॉडिफाई करने के लिए बताएगा आप इसको मॉडिफाई करो, ठीक है। और सारे सारे लाइन्स रहता है क्योंकि ना कौन सा मतलब किसके बाद क्या काम करूंगा और कौन सा डायरेक्शन में हमारा लाइन पास कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लो लाइन होता है। सपोज मैं इस टाइप का लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब क्या होगा ना, मेरा लेफ्ट से लाइट जा रहा है, यहाँ पे 2 + 2 लिखा था, यहाँ पे क्या होगा ना, सपोज यहाँ पे डिसीजन बॉक्स रहेगा, डिसीजन बॉक्स ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा यस, देखो सपोज क्या हो जाएगा ना, आपका डाटा यस हो जाएगा, 2 + 2 = क्या होता है ना, 4 होता है, 2 + 2 क्या होता है ना, 4 होता है। सपोज 4 यस है तो क्या प्रिंट करेगा ना, 4 प्रिंट करेगा। सपोज यहाँ पे 4 नहीं होके और दूसरा आंसर आ रहा है, वो क्या करेगा ना, नो साइड में जाएगा, फिर क्या करेगा ना, मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा, ताकि ऊपर जाके फिर वो डायग्राम ज्वाइन हो जाता है। ये आपका 8-9 क्लास में है, ठीक है, ये फ्लो डायग्राम मैथमेटिक्स में है और आपका क्वेश्चन भी आता है 30-40 मार्क का, ये जो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना यहाँ पे। तो कंप्यूटर भी क्या करता है ना, एक फ्लो के हिसाब से, मतलब एक सही डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप सारे सारे काम को सॉल्व करता है, ऐसे नीचे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक चला जाएगा ये था। और हम कोई भी मतलब काम करते हैं उसका कुछ बेनिफिट्स रहता है और कुछ डिमेरिट, कुछ बेनिफिट्स और कुछ फायदा रहता है और कुछ क्या होता है डिमेरिट्स भी रहता है, फायदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम की यूज करेंगे, उसका कुछ फायदा है इसके वजह से हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो फायदा क्या क्या है ना, हेल्प्स टू डिसाइड द स्ट्रेटेजी, आप जो डाटा दिया वो क्या करेगा ना, सही से डिसाइड कर सकता है। फ्लेक्सीबिलिटी, एन एल्गोरिथम कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी डिजायर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, ये क्या करता है ना, सारे सारे कंप्यूटर के लिए सेमी लैंग्वेज होता है। जैसे यहाँ पे जो ये जो डायग्राम लिया हूँ, मैं जहां पे भी मेरा पेपर के ऊपर में भी ड्रॉ कर दूंगा, जो सारे सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको क्या समझेंगे ना, ये आपका स्टार्टिंग है, स्टार्ट नहीं तो एंड है ये जो डायग्राम है, और इस टाइप का सिंबल आपका पेपर के ऊपर भी ड्रॉ करके कुछ भी लिखोगे, मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे ना, इनपुट हो सकता है नहीं तो आउटपुट हो सकता है, लास्ट में लिखोगे तो आउटपुट है, स्टार्टिंग में लिखोगे तो इनपुट है, ठीक है। और क्या होता है ना, इजी टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एरर्स, ये जो फ्लो डायग्राम के हिसाब से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स होता है ना, वो क्या करेगा, सपोज आपका डाटा सही से मैच नहीं कर रहा है, वो क्या कर देगा ना, एरर शो कर देगा, इसके वजह से आप क्या कर सकते हो ना, उसको फिर भी मॉडिफाई कर सकते हो, तो इजीली ये फाइंड हो जाएगा क्योंकि ना स्टेप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हो जाएगा, कहाँ पे गलत हुआ भी आप भी खुद ही पकड़ सकते हो। एन एल्गोरिथम फॉर गेटिंग रेडी फॉर ए स्कूल, हम एक मैनुअल एल्गोरिथम बनाएंगे आपका स्कूल जाने के लिए, तो स्टार्ट, तो मैं इसको आपका ये एल्गोरिथम के हिसाब से समझाता हूं कैसे बनाना है। तो आपका स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट ये बॉक्स में रहेगा, उसके बाद वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ, टेक बाथ, तो ये सारे सारे सीक्वेंस, पहले आप क्या करना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा, उठने के बाद आपका टूथ ब्रश करना पड़ेगा, टेक पूरे नहाना पड़ेगा, उसके बाद ड्रेस अप, आपको ड्रेस पहनना पड़ेगा, हैव ए ब्रेकफास्ट, आप क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कुछ खाना भी पड़ेगा, उसके बाद पैक योर बैग, सारे सारे बुक को आपको क्या करना पड़ेगा ना, पैक करना पड़ेगा। मेरे को लगता है आप सारे सारे बुक ही ओपन नहीं करते हो, पैक करने का कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही स्कूल में जाओ, फिर बैग रख दो, फिर कल होगा, फिर उसको लेके आ जाओ, ऐसे ही करते हो। तो नहीं, जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, फिर यहाँ पे जो पढ़ाई होता है उसको भी रिवाइज करते हैं, क्या क्या फिर होमवर्क है उसको कंप्लीट करते हैं, कुछ लर्न करने के लिए दे देते हैं, लर्न करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सपोज स्कूल का काम नहीं है फिर भी उन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि ना उनको कुछ करना है, मतलब उन्हें रिजल्ट मैक्सिमम स्कोर करना है, नहीं तो ओलंपियड बनना है, उनका ड्रीम है, इसीलिए उन्हें हर दिन जो भी पढ़ा देता है वो उसको फिर देखते हैं, उस घर पे जाके फाइनल कॉपी में भी लिखते हैं। पैक योर बैग्स एंड रीच द बस स्टैंड, आप सपोज बस में आना है, नहीं तो कोई कोई बाइक में आता है, तो इसके हिसाब से उन्हें वो सारे सारे बस, सपोज बस में आ रहे हो तो बस स्टैंड को जाना पड़ेगा, बस में आ रहे हो तो
उसके बाद रीच द बस स्टैंड, उसके बाद टेक द बस एंड रीच द स्कूल। उसके बाद क्या करना है ना, आपको बस पकड़ना है और स्कूल में आके पहुंच जाना है। उसके बाद जब पहुंच जाओगे आपका क्या होगा है ना, स्टॉप हो जाएगा, काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ना एल्गोरिथम फॉर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, आपको स्कूल आने तक जो सारे सारे प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये सारे इसको हम सपोज ग्राफ जो डायग्राम में बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, फ्लो चार्ट हो जाएगा। ये जो लिखे हैं ये क्या है ना, आपका एल्गोरिथम है, एक सीक्वेंस वाइज सारे सारे डाटा को आप लिखे हो। उसके बाद फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम, डायग्राम डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है ना, आप सारे सारे सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप सारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे बाय द क्या है पिक्चर्स, उसको हम क्या बोलेंगे ना, फ्लो चार्ट बोलेंगे। ए फ्लो चार्ट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है ना, ये जो फ्लो चार्ट होता है ये आपका डायरेक्शन शो करता है, मतलब पहले मेरे को क्या करना है ना, उठना है, उसके बाद ब्रश करना है। ये जो डायरेक्शन है उठने के बाद ब्रश करना है, ये क्या है कौन शो करेगा ना, फ्लो चार्ट शो करेगा आपका फ्लो का डायरेक्शन, इसके बाद कौन सा काम करना है, ठीक है। उसके बाद इट इज पिक्टोरियल इन नेचर एंड फैसिलिटेट इजी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशंस। ये जो सारे सारे डाटा को फ्लो चार्ट में कैसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वजह से क्या होता है ना, कोई भी डाटा को जब आप पिक्चर में रिप्रेजेंट कर देते हो समझने में क्या हो जाता है ना, इजी हो जाता है। इसीलिए जो सारे सारे ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वोडाफोन का क्यों फेमस हो गया था, वो सारे सारे पिक्चर में बना रहा था, जो कार्टून को लेके बना रहा था, तो इजीली वो बहुत फेमस हो गया था। आप सुने हो जो भी कार्टून को लेके बनाता है उसमें क्या होता है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हम जब पिक्चर इंसर्ट करके कोई भी डाटा को बनाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। यहाँ पे मैं आपका फ्लो चार्ट का सारे सारे फिगर बनाया हूँ, जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए आपका क्या लिया जाता है ना, इलिप्टिकल शेप एक लिया जाता है, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम लिया जाता है, और प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए रेक्टेंगल, डिसीजन बॉक्स के लिए डायमंड लिया जाता है, ठीक है। डायमंड मतलब ये बॉक्स का शेप डायमंड, डायमंड मतलब जो आप पहनते हो या डायमंड नहीं लेके जाते हैं, ये डायमंड का लिए कोई भी डाटा को मैं सपोज डायमंड बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, इसका मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे डिसीजन लेना है सही है या रॉन्ग है। उसके बाद फ्लो लाइंस क्या करेगा ना, ये सीक्वेंस वाइज आपका जो सारे सारे डाटा को ज्वाइन करेगा। उसके बाद कनेक्टर सर्किल, ठीक है, कोई कोई डाटा को कनेक्ट करते हैं, और जो रेस्ट बचा है हम इसको, ये जो सारे सारे डायग्राम को मैं प्रैक्टिकली भी बना के आपको भेज दूंगा, और इसके आगे सारे सारे और एक वीडियो लेसन में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, आप पहले समझ लो कि एल्गोरिथम क्या हो रहा है। एल्गोरिथम मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं सीक्वेंस वाइज, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और जब वो सीक्वेंस वाइज डाटा को हम क्या करते हैं ना, पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पिक्चर के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं ना, फ्लो चार्ट के वजह से आपका क्या आ जाता है ना, इजी टू अंडरस्टैंड, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इसके रिलेटेड ये जो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट्स आएगा मेरे को मैसेज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल इसको हम बनाएंगे एक्चुअल में, एल्गोरिथम में कैसे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट यूज करके हम कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेंगे एक सॉल्व करेंगे, और उसका भी प्रैक्टिकल भी बनाएंगे, थियोरी और एक बनाऊंगा और एक प्रैक्टिकल बनाऊंगा। और जो पिछला जितने भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया उसको मतलब आप कॉपी में कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, ताकि चेकिंग, और कभी कभी नेक्स्ट महीने से मैं भी आपका स्कूल खुल सकता है। थैंक यू।